गुड इवनिंग। हिंदी बिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कारक, कारक पार्ट टू। फर्स्ट कारक में हमने बताया था कारक आठ प्रकार के होते हैं। कारक और चिन्ह बता दिया था आप लोगों को हमने। आज आप लोगों को चिन्ह देख के कारक बताना है, कौन सा कारक है इस वाक्य में, कौन सा कारक है ये हमारा वाक्य प्रयोग। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? मनीष क्या होगा बेटा, पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। गुड। अधिकरण कारक नंबर दो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इस वाक्य में हे प्रभु कौन सा कारक चिन्ह है? सुशांत आप बताइए बेटा। संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? अधिकरण कारक में। नहीं बेटा गलत है, बताइए आप मनीष क्या होगा? अधिकरण कारक में। यस अधिकरण कारक सही। ये क्वेश्चन जो है अधिकरण कारक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। बच्चे बस से पाठशाला जाते है, कौन सा कारक है? करण है मैम। करण कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, अयान क्या होगा बेटा? राजा सेवक को कंबल देता है, संप्रदान कारक। कृष्ण ने कंस को मारा, मनीष कृष्ण ने कंस को मारा कौन सा कारक है बताइए बेटा? कर्म कारक। गुड। बालक गेंद से खेल रहा है, निखिल क्या होगा इसका बताइए? करण कारक मैम। बिल्ली छत से गिर पड़ी, अखिलेश क्या होगा बेटा? अपादान कारक। अपादान कारक। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, मनीष क्या होगा बेटा? संप्रदान कारक मैम। संप्रदान। संप्रदान कारक। यह रानी की बकरी है, यह रानी की बकरी है, निखिल संबंध कारक मैम। संबंध कारक। भौरा फूलों पर मंडरा रहा है,
उत्कर्ष क्या होगा बेटा? अधिकरण कारक में। गुड बेटा, बहुत अच्छा। अरे भैया क्यों रो रहे हो? कौन सा कारक है आयाम? क्या होगा बताइए? संबोधन कारक मैम। संबोधन कारक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।